हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। और हम लोग चालू किए थे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग एक यूनिट उठाए थे और ऐसे यूनिट नंबर 4 है, लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। ठीक है, आपका ये बिल्कुल बीएससी का दिया हुआ है, बीएससी पार्ट 1 बोलेंगे हम लोग, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू है आपके पास। ठीक है, सिलेबस जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चालू किए हैं, इंटीग्रल कैलकुलस को चालू किए हैं। यूनिट नंबर 4 में हम लोग फिलहाल अभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज मेरा किया था 4A, तो क्लास में बने रहे, क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। चालू करते हैं एक्सरसाइज 4A के प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 से I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, x बटा अंडर रूट 1 प्लस x dx। देखिए, आपको बताया गया कि बटा है या बटा में रूट है या तो मल्टीप्लाई में रूट है, और प्रोसेस वही रहेगा। जैसे इसको हम लेट मानेंगे, 1 प्लस x बराबर हमने z स्क्वायर मान लिया, x का वैल्यू निकालेंगे z स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इसको डिफरेंशिएट dx 2z dz और ये 0, तो dx बराबर 2z dz होगा। अब I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बटा अंडर रूट x प्लस 1 dx होगा। I इक्वल टू x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो x का वैल्यू हम और एक z स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx का वैल्यू क्या होगा, 2z dz बटा अंडर रूट जेड स्क्वायर। देखिए, 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करते हैं, कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस 1 बटा जेड इंटू जेड dz, जेड से जेड कैंसिल। I इक्वल टू 2 होगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 dz, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड क्यूब बटा 3 जिसमें माइनस 3। देखिए, कोई भी नंबर है उस नंबर के साथ में हम वेरिएबल को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, जेड है, इसके साथ क्या आएगा, जेड क्यूब 1 इंटू डीएक्स करते हैं, तो ये सीधी सी बात है कि डीएक्स मिलता है, और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स है। अगर 1 इंटू जेड करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल डीजेड मिलेगा, माइनस में मिलेगा, माइनस यहाँ रखे हैं तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, जीरो। क्लियर है ना, अगर 1 है तो 1z, 2 रहेगा 2z, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट होगा, नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, चलिए a नहीं आया तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं i बराबर 2 हो गया। इसमें इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर डीजेड और माइनस 1 से गुना करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, गुना कर दिए इस वाले के दोनों में बांट दिए। अब बताना क्या है कि i बराबर क्या आ जाएगा, 2 रहेगा, z का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 3 देंगे। अच्छा, इसका dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y। फॉर्मूला सेंड किए है ना, उसको देख लेना है, तो dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब प्लस क्या आ जाएगा, c। अब समझ में आया ना, अब z कॉमन कर सकते हैं क्या, देखिए तो जेड स्क्वायर माइनस 3, माइनस कितना आएगा, 1, प्लस क्या आएगा, c। चाहे तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये क्या मिलेगा, 2 बटा 3 जेड स्क्वायर, जेड छूट रहा है ना, जेड, और माइनस क्या आएगा, 3 प्लस c आएगा, सभी तरफ क्या कर लेंगे, 1। सिंस 1 प्लस जेड, सॉरी 1 प्लस एक्स बराबर जेड स्क्वायर है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, पावर हाफ ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 का समीकरण 1, आई बराबर 2z बटा 3 जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी है, 2 बटा जेड का वैल्यू 1 प्लस एक्स, 1 बाई क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। अगर 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 मिलेगा, इसको लिखेंगे 2 बटा 3
वन प्लस एक्स वन बाई टू एक्स ना, इसको क्या लिखेंगे माइनस रूट प्लस, चाहे तो वन बाई टू को हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं। नंबर 11 समझ गया ना, ऐसे लिख सकते हैं टू बटा थ्री और रूट में क्या लिखेंगे वन प्लस एक्स, क्योंकि ये इसी को रूट लिखा जाता है और एक्स माइनस टू प्लस थ्री आंसर। क्लियर है, बन जाएगा, बनेगा ना। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर आपको बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है x बटा 1 माइनस 2x है रूट में, क्या ये बन जाएगा, कैसे बनाएंगे, अंदर वाले को लेट मानना है, प्रोसेस थोड़ा सा हम बता देंगे, 2x बराबर क्या आ जाएगा जे डी स्क्वायर। यहां से सीधी सी बात है कि x का वैल्यू निकालिएगा तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इसको उधर ले चलेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, माइनस टू एक्स बराबर जेड स्क्वायर माइनस वन रखेंगे, अच्छा एक्स बराबर रखेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस वन और माइनस टू, इसको एक्स बराबर ठीक है माइनस वन बाई टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख तो सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस गुना भी कर सकते हैं या तो एक्स डी एक्स, तो माइनस वन बाई टू, इसको जेड स्क्वायर को हम लिखेंगे टू जेड डी जे माइनस जीरो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी एक्स बराबर टू से टू कटेगा तो माइनस डी जे हो गया, इसमें पुट करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे बन जाएगा ना, एक्स के जगह पर कितना रखना होगा जेड स्क्वायर माइनस वन बाई टू और यहाँ पे डी एक्स के माइनस, ये माइनस माइनस कट करके प्लस मिल जाएगा, आराम से बन जाएगा ये चीजें, बनेगा ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या सीधे से बात है कि आई बराबर देखिएगा एक्स के जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे जेड स्क्वायर माइनस वन और ए माइनस टू आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर इंटू क्या आएगा ई लिखेंगे, क्लियर है ना। देखिए आई बराबर इसको हम माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड बटा क्या मिलेगा टू और जेड मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर वन बाई टू जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड, अब बन जाएगा ना, समझ में आया, क्योंकि ए दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बटा इसका है फिर से इसका बटा है, इसके बटा तो वन है तो वन ऊपर जाएगा यानी कि जेड स्क्वायर माइनस वन बटा टू और इंटू क्या आएगा रूट जेड स्क्वायर, जेड का हम लिखेंगे जेड लिखेंगे, बाकी इसको सोल्व कर लेंगे सोल्व हो जाएगा ठीक है, बन जाएगा ना, बना दे बन जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या और करेंगे 13। नंबर देखिए आपके पास 13 है ठीक है, नंबर 13 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा अंडर क्या है 2x प्लस 3, ये भी तो बन ही जाएगा वही प्रोसेस है क्या, ये बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको लेट प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। नंबर 14 हम बताएंगे आई बराबर क्या है 1 माइनस एक्स बटा अंडर रूट क्या है 1 प्लस एक्स है और ये क्या है dx है, यही आपके पास इंटीग्रेट है नंबर 14 का ठीक है। लेट 1 प्लस एक्स बराबर हम जेड स्क्वायर चाहे तो इस जेड स्क्वायर लिखेंगे, अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन dx लेके आएगा 2z dz और 1 का 0 आ जाएगा, क्लियर है ना। सिंस या देयरफॉर लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स डीएक्स, बताना क्या है कि एक्स का वैल्यू आप लोग क्या निकाले, ये तो 1 है ना बीच में क्या है माइनस, एक्स का वैल्यू क्या है तो ये बोलिए सर जेड स्क्वायर माइनस 1 है ना, बटा में क्या लिखेंगे ये जेड स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू 2z dz माइनस से हम गुना करेंगे z स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1 बड़ा क्या आएगा z
टू बाहर निकालेंगे, यहाँ डिजिट डिजिट, जेड से जेड कैंसिल, तो टू वन वन जोड़ेंगे टू माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा डिजिट। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आई इक्वल टू ए मिलेगा टू मिलेगा मिलेगा। ये नंबर है, नंबर का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो नंबर तो बिल्कुल लिखना ही लिखना है। किस वेरिएबल पे है जेड, तो इसके साथ क्या लिखेंगे जेड। समझ में आ रहा है ना, अगर तीन रहेगा तो थ्री जेड, फोर रहेगा फोर जेड, माइनस है माइनस देंगे जेड स्क्वायर, एक पावर बढ़ा देंगे तीन बटा तीन, अब प्लस कितना आ जाएगा सी। ओके, यहां से आई इक्वल टू देखिएगा टू होगा, जेड हम कॉमन करेंगे तो टू माइनस जेड स्क्वायर बाई थ्री, प्लस क्या आ जाएगा सी आएगा। आई बराबर इसको टू जेड देखिएगा, तीन दुना के छह माइनस जेड स्क्वायर, प्लस क्या आएगा सी, अब बटा दो थ्री, समीकरण क्या आएगा वन। क्लियर है ना बात, यहां क्या बनता है सिंस लिखा जाए कि वन प्लस एक्स बराबर जेड स्क्वायर, अगर हम जेड लिखते हैं तो वन प्लस क्या आ जाएगा रूट में, और इसी को हम लोग लिखते हैं वन प्लस एक्स के पावर हाफ बाई हाफ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो समीकरण वन क्या है आपके पास आई बराबर टू जेड बटा थ्री सिक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस सी है। जेड का वैल्यू रखना पड़ेगा, जेड स्क्वायर भी रखना पड़ेगा, आई बराबर इसको टू जेड बटा सॉरी जेड का वैल्यू रखेंगे वन प्लस एक्स रूट में बटा थ्री। क्लियर है ना, यहाँ पे देखिएगा सिक्स रहेगा बीच में माइनस, जेड स्क्वायर बराबर क्या है वन प्लस एक्स है, तो जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे जेड स्क्वायर, आई बराबर टू बटा थ्री रूट वन प्लस एक्स सिक्स माइनस वन माइनस एक्स, प्लस क्या होगा सी, माइनस को गुणा कर दिए तो आई बराबर टू बट्टा थ्री रूट वन प्लस एक्स हो जाएगा, होगा ना। छह में से वन घटाएंगे फाइव मिलेगा, तो इनटू क्या आएगा फाइव माइनस एक्स प्लस बन जाएगा, बहुत आसान है, बाटा है या मल्टीप्लाई है प्रोसेस तो सेम टू सेम है, इंटीग्रेशन मास एक्स के पावर इन वगैरह करते रहना है। समझ में आया, चलिए आप लोग ऐसा काम कीजिए 15 नंबर का प्रश्न हम लिखते हैं बिल्कुल आप सॉल्व कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन क्या है भाई, एक्स प्लस वन अंडर रूट वन एक्स प्लस टू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, दिख रहा है इसमें तो 15 का आपके पास लिखा हुआ है कि 1 प्लस एक्स है और x प्लस 2 है, आप x इतना लेट करके x का वैल्यू निकाल करके पुट कर लीजिएगा, बाकी सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ भी जेड स्क्वायर और जेड, क्योंकि जेड स्क्वायर का जेड होगा बिल्कुल कट करके ये मिलेगा, बाकी 2 बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेट करके रूट कॉमन जो भी है जेड वगैरह कॉमन करके, और जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फाइनल डिसीजन आंसर आ जाएगा। नंबर 16 में ना देखिएगा, I बराबर एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस x बटा 1 माइनस 2x, और ये इंटीग्रेशन है और dx, अभी तो सामने बनाया गया था जो प्रश्न आपका दिया हुआ है जैसे 13 में वही आपका यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 1 प्लस x बटा अंडर रूट 1 माइनस 2x दिया है, प्रोसेस वही रहेगा, आप लोग इसको बिल्कुल ट्राई कीजिए और बन जाएगा। फिर भी हम बना रहे हैं इसको, देखिए भाई रूट वाले को हम लोग की क्या मानना है 1 माइनस 2x बराबर जेड स्क्वायर मान लेना है ना, इसको ऐसे 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x इसको इधर ले गए और इसको इधर लाए, अगर हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, dx लिखेंगे तो 1 बाई 2 1 का 0 2z dz आ जाएगा, तो dx बराबर ए 2 से 2 कैंसिल तो माइनस की वाला आ जाएगा, क्लियर है माइनस आएगा ना। अब i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x बटा अंडर रूट
वन माइनस टू एक्स डी एक्स, वन हो जाएगा जिसमें क्या है प्लस एक्स का जो वैल्यू आया है वन माइनस डेढ़ स्क्वायर बाई टू, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे डेढ़ स्क्वायर इंटू माइनस जेड डीजे, क्लियर है, समझ में आया? अरे बात को समझ गए, अब देखिएगा हम लोग इसको कहा लिखेंगे, इसके नीचे वन है एलसीएम लेंगे, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टू प्लस वन माइनस जेड स्क्वायर बाई टू, और इसमें क्या आएगा जेड इंटू माइनस जेड डीजे, ये बिल्कुल कटेगा, कटेगा ना, जेड और जेड कट जाएगा तो बचेगा क्या आई बराबर माइनस को हम लोग इस माइनस को बाहर पहले निकाल देते हैं और ये मिलेगा थ्री माइनस जेड स्क्वायर बटा टू डी जे, टू रहेगा, ये देखिए भाई टू है ना, माइनस से यदि हम गुना करके लिखेंगे तो वन बाई टू ये जेड स्क्वायर माइनस थ्री डी जेड, नहीं समझ में आ रहा है, जहां नहीं आएगा बिल्कुल पूछेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन हम लोग बढ़िया से इसका फॉर्मूला प्रोसेस याद रखेंगे, टोटल पेपर में बनेगा, जितने भी अगर एग्जाम दे देगा इंटीग्रेशन से बनेगा, सिलेबस पढ़ा रहे हैं केवल, इसमें देखिए आई बराबर वन बटा टू हो गया एक पावर बढ़ा के, और इसमें क्या जोड़ेंगे थ्री प्लस क्या आएगा सी, अगर हम इसमें देखेगा वन बाई टू रहेगा ना, जेड कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर, और तीन तरीके नौ, मतलब यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे जेड बाहर आ गया, आप तीन से गुना करेंगे नौ बटा के इतना आ जाएगा थ्री, अब प्लस क्या आएगा तो आई बराबर वन बटा सिक्स जेड जेड स्क्वायर माइनस नाइन प्लस सी, समीकरण क्या आ गया वन, सिंस लिखेंगे कि वन माइनस टू एक्स बराबर जेड स्क्वायर, जेड बराबर अंडर रूट वन माइनस टू एक्स बराबर वन माइनस टू एक्स का पावर वन बाई टू, फ्रॉम इक्वेशन वन से तो समीकरण वन क्या है आई बराबर वन बटा सिक्स जेड का वैल्यू जो है वन माइनस टू एक्स है ना, और जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कहने का मतलब वन माइनस टू एक्स और माइनस क्या है नाइन, अब प्लस क्या आएगा सिक्स आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, अब बताइए क्या मिलेगा आई बराबर वन बटा सिक्स, यहाँ पे वन माइनस टू एक्स आएगा, वन में से नाइन को घटाएंगे तो माइनस एट मिलेगा, यानी कि माइनस टू एक्स माइनस एट प्लस क्या आएगा सी, तो कॉमन कर लेंगे, चाहे तो माइनस में आप कॉमन कर लीजिए, बन जाएगा ना, बनाएंगे आप इधर दिखेगा, चलिए आई बराबर माइनस सॉरी देखिएगा इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए तो थोड़ा दो, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस दो कॉमन कर लीजिए ना, अब बटा में कितना आ जाएगा सिक्स, और रूट में वन माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस कितना मिलेगा फोर प्लस सी, आप इसको काट लीजिएगा देखिए आंसर में आपके सी नहीं दिया है ना, सी नहीं दिया है, लेकिन सी हम लोग ऐड करेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है जो कि हम लोग सी ऐड करते हैं, सत्रह बिल्कुल आप लोग से सॉल्व करना है, सत्रह क्या है टू माइनस थ्री एक्स, सत्रह प्रश्न लिख देते हैं टू माइनस थ्री एक्स बटा वन प्लस अंडर रूट है वन प्लस थ्री एक्स डी एक्स है, ये आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा, प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, उसके बाद हम लोग नंबर अठारह सॉल्व करेंगे, मैट्रिक कहाँ हो गया, चलो सर सत्रह के बाद हम लोग क्या करेंगे अठारह देखेंगे ना, नंबर क्या है अठारह, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
थ्री एक्स माइनस वन बटा अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ये दे रखा है। 18 में क्या है, I बराबर इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बटा अंडर रूट 2x प्लस 3, यही है ना। हाँ चलिए, इसको प्रोसेस वही है कि 2x प्लस 3 बराबर हम लोग क्या मानेंगे, z स्क्वायर। यहां से पहले क्या करेंगे, 2x का वैल्यू यदि निकालते हैं तो z स्क्वायर माइनस 3 आएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई 2 z स्क्वायर माइनस 3 आएगा। इसको dx लिखेंगे तो 1 बाई 2 ये 2z होगा dz, और 3 का छोड़ देते हैं 0 आएगा, 2 से कैंसिल होगा तो dx बराबर क्या आएगा, z dz। अब हम लोग क्या करते हैं, I बराबर क्या है 3x माइनस 1 बटा यहां से 2x प्लस 3 dx होगा। I बराबर 3 रखेंगे, x का वैल्यू कितना निकाले हैं, z स्क्वायर माइनस 3 बटा 2 माइनस 1 बटा क्या आएगा, z स्क्वायर इनटू z, ये बिल्कुल क्या होगा, कैंसिल होगा। समझ में आ रहा कैसे, ये z देगा और z स्क्वायर का रूट करेंगे तो केवल z मिलेगा, तो बिल्कुल कैंसिल होगा। जो बच गया उसको लिखेंगे, I बराबर इसको 3 से गुणा करेंगे 3z स्क्वायर माइनस 9 बटा 2 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा dz, इसका एलसीएम होगा तो 2 यहां से चला जाएगा, तो I बराबर 17। देखिए इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर नहीं है, बस आगे पीछे किया है, नंबर चेंजिंग है, प्रोसेस सेम टू सेम लगेगा। तो देखिएगा एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा, 2 यहाँ पे जाएगा, यानी कि z स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 dz, I बराबर क्या आएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 3 z स्क्वायर माइनस 11 और dz, इसका समाकलन कीजिएगा तो 1 बाई 2 आ जाएगा, 3 एक बढ़ाएंगे और माइनस 11 z प्लस क्या आ जाएगा c, समझ में आ रहा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो I बराबर 1 बाई 2 हम z को बाहर निकालेंगे, z स्क्वायर माइनस 11 प्लस c, समीकरण क्या आएगा 1। सिंस में लिखा जाए कि 2x प्लस 3 बराबर हो z स्क्वायर, तो z बराबर अंडर रूट क्या आएगा 2x प्लस 3, इसी को चाहे तो 2x प्लस 3 का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। प्रॉब इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, I बराबर 1 बाई 2 z का वैल्यू क्या रखा जाए 2x प्लस 3, अच्छा z स्क्वायर का वैल्यू क्या रखा जाए 2x प्लस 3 माइनस 11 प्लस c, 3 में से 11 घटाएंगे कितना मिलेगा 1 बाई 2, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 ना, इसमें से हम लोग क्या करते हैं 2x प्लस माइनस होगा 8 प्लस c, 2 कॉमन करेंगे 2 से कट जाएगा, तो a मिला I बराबर 1 बाई 2 अंडर रूट 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 2 कॉमन कर लिया जाए x माइनस 4 प्लस c, ये बिल्कुल क्या होगा कैंसिल आउट होगा, I बराबर क्या आएगा अंडर रूट 2x प्लस 3 इन टू x माइनस 4 प्लस c, समझ में आया क्या, बच जाएगा 19। देखिए 19 आप बनाइए, बिल्कुल बनेगा, इसका केवल डाटा चेंज है, जैसे इंटीग्रेशन क्या है 3x प्लस 5 है, अंडर रूट किया है 7x है, 7x प्लस 9 dx, ये दे रखा है। अरे भाई यहां देखिए तो इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 3x है और 3x है, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस है, 1 के जगह पर क्या है 5 है, अच्छा ये सही है 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे 7x प्लस 9 है, जैसे x का वैल्यू दिया तो 1 बाई 2 देगा, क्योंकि इसका कोफिशियंट 2 है x का, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, 3 था
तो वहां पे 9 है तो माइनस 9 लिखेंगे, बाकी सब प्रोसेस ही रहेगा, बन जाएगा, बना लेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि 2 कटेगा, वहां पे नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, कट भी सकता है, मेबी 7 है यहाँ पे 2 है तो कट गए, यहाँ पे 7 है तो नहीं कटेगा, 2/7 ही रहेगा, बाहर आ जाएंगे। क्लियर है ना, ये बिल्कुल आप बनाइए। उसके बाद हम लोग नंबर देखेंगे 20। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ए भी एक्स स्क्वायर है, ए भी एक्स स्क्वायर है, डाटा नीचे वाला केवल क्या है, चेंज है। इसमें से हम 2 प्रश्न बनाएंगे ना, बनाना कोई है नहीं है, जब लेट है तो x माइनस 1 बराबर हम जेड स्क्वायर, x बराबर क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, dx बराबर निकालेंगे तो 2z dz आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0। अब इंटीग्रेशन जो दिया है x स्क्वायर बटा अंडर रूट x माइनस 1 dx है, ये दिया है i बराबर x का जो वैल्यू है हम लोग पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 ऊपर से स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर इंटू 2z dz, dx का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये बिल्कुल क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर का रूट करेंगे जेड आएगा, जेड इंटू जेड कट जाएगा, i ए 2 बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, dz, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग इसको लगाएंगे तो जेड के पावर 4 प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1, समझ में आ रहा है ना, ऐसा उसमें भी आया था, इसमें जेड के पावर 5 बटा कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 जेड 3/3, अब प्लस कितना आ जाएगा जेड, अब प्लस क्या होगा सी, यही चीजें होगा। ठीक है, चाहे तो आई बराबर आप इसमें क्या कॉमन करना चाहते हैं, जेड केवल है यहाँ पे, जेड 3 है और जेड 5 है, केवल जेड कॉमन होगा, जेड कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड के पावर 4/5 2/3 जेड स्क्वायर और प्लस 1 प्लस क्या आएगा सी, समीकरण 1 आएगा, सिंस एक्स माइनस 1 बराबर जेड स्क्वायर है। अच्छा ये बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, जेड बराबर x माइनस 1 लिखेंगे या इसको x माइनस 1 के पावर क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन किससे चला जाए, समीकरण 1 से i बराबर 2z जेड के पावर 4 5 प्लस 2/3 जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस c है, i बराबर 2 जेड का वैल्यू या तो इसको रखेंगे या तो इसको रखेंगे 1 हो जाएगा, ये जेड का पावर 4 है जी, जेड के पावर क्या है 4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 1 पावर 1/2 और पावर 4/5 जेड स्क्वायर 2/3, ये 2 है ना, बढ़िया इसको लिख दें, जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या दिख रहा है x माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 प्लस सी, ये 2 से कट जाएगा 4, ये मिलेगा 2 रूट x माइनस 1 स्क्वायर 2/3 x माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा आंसर। समझ में आया, आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला हम लोग बताए थे तो मल्टीप्लाई में भी स्क्वायर आया था, आया था कि नहीं स्क्वायर आया था, और डिवाइड वाला में भी बहुत आसान है, केवल स्क्वायर कर देंगे और बाकी एक बढ़ा करके इंटीग्रेट कर देंगे, जेड कॉमन हो रहा था इसलिए जेड कॉमन करके अब आके पुट कर देंगे वैल्यू, आसान से आंसर आ जाएगा। अब एक हम लोग इसमें से या इसमें से कोई एक बता देते हैं, 22 नंबर के बता देते हैं, क्या 22 बता दें कि 21 बता दें, 22 बता देते हैं, सब रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे भी चिक्के ऊपर है, कोई है कौन है भाई, चलिए हम काट देंगे, दिक्कत है, एक जगह 16 क्वेश्चन में एक जगह 22, अब हमको याद रखना पड़ता है। चलिए देखिए नंबर क्या है, 22 है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा अंडर रूट क्या है 3x प्लस 4 है, इसको लेट मानेंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर, x बराबर क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस 4/3 आ जाएगा, समझ गए, dx बराबर कितना आ जाएगा 1/3, इसका इंटीग्रेट 2z dz माइनस क्या आ जाएगा 0,
तो dx का जो भी वैल्यू आ रहा है 2 बटा 3 है और z dz आ रहा है ना, i बराबर कितना आ जाएगा, समझ में आया, 4 इधर गया, z स्क्वायर माइनस 4, 3x था मल्टीप्लाई है डिवाइड में कर लिया, ये क्या है x स्क्वायर बटा अंडर रूट ए 3x प्लस 4 dx है। आई बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4 बटा 3, एकदम आराम से देखिए रखे कि नहीं रखे हैं, एक्स का वैल्यू क्या है जेड स्क्वायर माइनस 4 बटा 3 रखे, फिर से क्या है बटा 3x प्लस 4 का हम लोग क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर इनटू dx का वैल्यू क्या है 2 बटा 3 डी, अच्छा ये वो और z है, z से z कैंसिल होगा तो i बराबर क्या मिलेगा 2 बटा 3 बाहर, इसमें हम लोग z स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर और 3 3 के 9 dz, समझ में आया, देखिएगा z स्क्वायर का रूट होगा z z z कटेगा 2 बटा 3 बाहर निकाल दिए इसका स्क्वायरिंग करके लिख दिए, i बराबर क्या आएगा 2 बटा 9 या 27, इसमें हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर तो पहले से स्क्वायर फिर से स्क्वायर माइनस 2ab 4 दोनों के 8 z स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 16 और ये क्या आ जाएगा dz, i बराबर क्या आएगा 2 बटा 27, इसमें देखिएगा z के पावर 5 बटा 5 माइनस 8 z की बटा 3 प्लस 16 प्लस क्या आएगा सी आएगा कुछ कॉमन होगा 2 बटा 27 जेड कॉमन करेंगे जेड के पावर क्या आएगा 4 5 माइनस 8 बटा 3 जेड स्क्वायर प्लस 16 प्लस क्या आएगा सी आएगा। समीकरण क्या आएगा 1, अब इसमें देखिएगा सिंस 3x प्लस 4 बराबर क्या है जेड स्क्वायर है, अगर जेड ठीक है अगर हम जेड का पावर 4 करते हैं तो ये क्या मिलेगा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर मिलेगा, समझ गए कैसे, हम 2 था फिर से स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब 2 इनटू 2 4 मिलेगा और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अब नहीं समझ में आ रहा तो छोड़िए नहीं, जेड बराबर क्या आ जाएगा रूट 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 4 का पावर हाफ होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से नंबर 1 से, i बराबर 2 बटा 27, z का वैल्यू क्या रखेंगे रूट 3x प्लस 4, देखिएगा पावर क्या है 4 है इसका पावर 1/2, ये भी पावर गुना करेंगे तो केवल 2 मिलेगा, सीधा रख दें 3x प्लस 4 का होल यानी कि 1 बाय 2 गुने 4 दे कट करके क्या मिलेगा सीधा 2 बटा 5, बीच में क्या है माइनस 8 बटा 3 z स्क्वायर बराबर क्या है 3x प्लस 4 प्लस क्या आएगा 16, तो ये नंबर 22 तक कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम लोग देखेंगे 23 24 25 26, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पुट करेंगे 2x प्लस 3 बराबर क्या करना होगा z केवल करना होगा, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो z माइनस 3 बटा 2 चलेगा, dx का वैल्यू निकालेंगे 1 बाई 2, z का क्या होगा dz और 3 का 0 छोड़ देंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बटा 2x प्लस 3 और ये क्या आएगा 3, पावर क्या है 3 ना dz, i बराबर x का वैल्यू बताएंगे तो कैसे लिखेंगे z माइनस 3 बटा, ठीक है इसमें क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या होगा z पावर 3 इंटू 1 बाई 2 dz, इसको कैसे लिखेंगे i बराबर देखिएगा 2 और 2 कॉमन करेंगे तो 4 हो जाएगा
जेड माइनस थ्री बटा क्या आएगा जेड क्यूब, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा डीजे, तो आई बराबर क्या होगा वन बटा फोर डिवाइड करेंगे तो जेड बटा जेड की थ्री बटा जेड की और ये क्या आ जाएगा डीजे, इसको बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे होगा तो क्या मिलेगा आई बराबर वन बटा फोर, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे जेड की पावर माइनस टू, इसमें क्या लिखेंगे थ्री जेड की पावर माइनस थ्री लिख सकते हैं क्या, देखिए जेड का स्क्वायर बचेगा, कहने का मतलब वन बटा फोर हो गया, वन बटा क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस थ्री बटा जेड की, देखिए इसमें इंटीग्रेशन हो सकता है माइनस वन बाई जेड आएगा लेकिन इसका तो नहीं होगा ना, इसलिए हम लोग दोनों पावर वन बटा क्या आएगा फोर, एक पावर में जोड़ेंगे तो एक पावर में अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा माइनस, ये माइनस यहाँ फिर से माइनस हो जाएगा, एक अगर हम पावर में जोड़ेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू बचेगा और वही माइनस आ जाएगा, समझ में आ गया ये टर्म, इसमें एक जोड़ेंगे तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन वही पावर नीचे में, इसमें वन जोड़ेंगे माइनस टू फिर माइनस टू, ऐसा काम करते हैं वन बटा फोर आ जाएगा, ये देखिए माइनस में आ जाएगा जे पावर वन, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस थ्री बाई टू जेड माइनस टू प्लस क्या आएगा सी, क्लियर है ना, अब ऐसा काम करते हैं कि वन बटा फोर होगा थ्री बटा टू नीचे क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस वन बटा जेड प्लस क्या आएगा सी वन बटा फोर, देखिएगा थ्री बटा टू जेड का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 और ऊपर से स्क्वायर माइनस 1 बटा z का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, चाहे तो 2x प्लस 3 को कॉमन कर सकते हैं तो 1 बटा 4 2x प्लस 3 ये क्या आएगा 2 3 बटा 2 ये आएगा 2x प्लस 3 और माइनस 1 प्लस क्या आएगा सी, चाहे तो एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, समझ में आया बिल्कुल बन जाएगा, नोट करेंगे देखिए नंबर 24 और नंबर जो 23 है दोनों सेम टू सेम देखने में अलग अलग लग रहा है, बनाएंगे क्या ये दो प्रोसेस है, इसको हम डिवाइड करके बना सकते हैं, ठीक है डिवाइड करके बना सकते हैं, या तो सीधी सी बात है कि आप इसको लेट मान लीजिएगा, क्या मानेंगे x प्लस जेड इक्वल x प्लस वन, देखिएगा x प्लस वन बराबर हम क्या मान लेंगे जेड, तो बताइए x का वैल्यू क्या आएगा जेड माइनस वन आएगा, dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dz, अब i इक्वल टू आगे प्रोसेस आपको काम करना होगा, i बराबर x क्यूब बाय x प्लस वन ये क्या आएगा dx, i बराबर x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा z माइनस वन पावर ऊपर से क्या है थ्री बटा आ जाएगा, x प्लस वन का वैल्यू क्या रखेंगे z dz, यहां से हम लोग क्या करते हैं देखिएगा ये होगा a माइनस बी का और क्यू, क्या होता है भाई ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है क्या हो जाएगा माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड ना प्लस और ये क्या डी बटा कितना आ जाएगा आई बराबर हमने क्या किया इस जेड को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस वन बाई जेड माइनस थ्री जेड और प्लस क्या है थ्री, समझ में आया जेड से जेड स्क्वायर वन का क्यू किए वन बाई जेड मिला जेड स्क्वायर से जेड कटा या थ्री, इसको हम लोग इंटीग्रेट करके ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर, चलिए यहां से लिखेंगे आई बराबर एक पावर बढ़ा देंगे तो जेड क्यू बटा क्या आएगा थ्री, इसमें लॉग क्या हो जाएगा जेड वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड जेड माइनस थ्री जेड स्क्वायर बाई टू इसके साथ जेड प्लस जेड का वैल्यू क्या है आप बता दीजिए थोड़ा सा तो वन बटा थ्री आ जाएगा, जेड का वैल्यू एक्स प्लस क्या है वन का क्यू है
माइनस लॉग एक्स प्लस वन होगा माइनस थ्री बाई टू जेड, जेड का वैल्यू एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अब प्लस जाएगा सी। बस आपको सजाना होगा पावर थ्री है पहले लिखिएगा, उसके बाद पावर टू लिखिएगा, उसके बाद पावर वन, उसके बाद माइनस लॉग लिख लीजिएगा। आपके बुक में यही आंसर दे रखा है। बात समझ में आया ना? देखिए नंबर 25 और नंबर 26 दोनों सेम टू सेम है, इसमें रूट है इसमें नहीं रूट है, उससे कोई परेशानी भी नहीं है ना। जैसे हम इसको बनाएंगे उसी तरह से इसको भी बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे पहले देखिएगा, लेट मानेंगे हमने रूट एक्स प्लस टू सही थे बराबर जेड मान लिए, तो इसमें भी मानेंगे रूट एक्स प्लस टू बराबर जेड, दोनों सेम टू सेम होगा। यहाँ से यदि हम रूट एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो जेड माइनस कितना आ जाएगा, टू आएगा। आएगा समझ में आ रहा है ना? चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या तो स्क्वायर कर दे क्या। चलिए छोड़िए, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स और डी एक्स बराबर ये क्या होगा डी जेड। अगर डी एक्स का भी नोट निकालते हैं तो टू रूट एक्स आ जाएगा डी जेड आ जाएगा। रूट एक्स का वैल्यू कितना लिखे है बता दीजिए थोड़ा सा, डी एक्स बराबर रूट एक्स का वैल्यू क्या है तो टू इंटू जेड माइनस टू डी जेड। क्लियर है ना? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है रूट एक्स बटा एक्स प्लस टू के रूट में डी एक्स आ जाएगा। I इक्वल टू रूट एक्स का वैल्यू क्या है जेड माइनस टू, रूट एक्स प्लस टू क्या है जेड है इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है अच्छा ये बताइए I इक्वल टू टू कॉमन का इसमें जेड माइनस टू का होल स्क्वायर बटा क्या आएगा जेड डी जेड आएगा। आई इक्वल टू टू देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस कितना आएगा फोर बटा कितना आएगा जेड, डिवाइड कर दिया जाए जैसे इसमें डिवाइड किए थे ये टू मिलेगा जेड माइनस फोर प्लस क्या आएगा फोर जेड। समझ में आ रहा है ना कि ये जेड से कटेगा एक सिंगल बचेगा जेड जेड कटा फोर बचा और केवल फोर प्लस। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे टू मिलेगा जेड स्क्वायर बाई क्या आएगा टू माइनस फोर जेड प्लस फोर लॉग जेड प्लस क्या आएगा सी। बताइए जेड का वैल्यू कितना है जी, जेड का वैल्यू क्या है रूट एक्स प्लस टू, तो इसमें हम लोग लिखेंगे रूट एक्स प्लस टू ऊपर से क्या होगा स्क्वायर बटा टू माइनस फोर और रूट एक्स प्लस टू प्लस फोर लॉग जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू रखते हैं तो रूट एक्स प्लस टू प्लस क्या आ जाएगा सी। समझ में आया? 26 बना लेंगे। 26 कैसे बनाएंगे, यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे एक्स है ना, जैसे आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो एक्स का यहाँ पे रूट एक्स निकलेगा तो इसको स्क्वायर करके बना लेंगे। जैसे 26 वाले देखिएगा हम लेट मान लेते हैं रूट एक्स प्लस टू बराबर क्या आएगा जेड आएगा, तो रूट एक्स बराबर क्या आएगा जेड माइनस टू आएगा। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो जेड माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। यह देखिए इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा डी जेड, तो ये क्या आ जाएगा भाई टू रूट एक्स डी एक्स डी जेड क्या आएगा डी एक्स बराबर टू रूट एक्स का वैल्यू क्या आएगा जेड माइनस टू। अब बन जाएगा एक्स के जगह पर क्या रखना पड़ेगा 26 में जेड माइनस टू का ऑल स्क्वायर डी जेड के जगह, अच्छा डी एक्स के जगह पर टू जेड माइनस टू, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर और जेड एक जेड माइनस टू का होल की ए माइनस बी का होल क्यू लगा करके जेड से डिवाइड करेंगे बाकी बच जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया नंबर 26 तक था। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 4b, पहले उसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे उसके बाद उसका समाकलन करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके बाय बाय।